कोई कमी नहीं है काम के अंदर। तो अब चुनाव अगर उनकी पत्नी लड़ी तो भी जीतेगी? अगर कोई भी खड़ा करेगा उसका भाई करो, उसकी पत्नी खड़ी होगी तो बात करो, घना वोटों में जीतेगी। ऐसा क्यों? ये तो दुनिया की भावना। इस वक्त खींवसर में मौजूद है और यहाँ पर हम खींवसर की विधानसभा के हालात की जायजा लेने के लिए आए, जनता से मिलने के लिए, उनसे जानने के लिए कि इस बार यहाँ पर जनता ने क्या निर्णय लिया है। और हमारे साथ अंकल जी है तो उनसे बात करते हैं। क्या अंकल, क्या हो सकता है इस बार? इस बार चुनाव उपचुनाव है, हनुमान जी बेनीवाल की पार्टी है, कोई भी खड़ा करो हनुमान जी वो भी जीतेगा। कोई भी खड़ा हनुमान जी कर देगा ना, वो भी जीतेगा। लोग तो बोल रहे थे कि इस बार बीजेपी आ गई है। नहीं नहीं आएगी है? कोई बीजेपी आवे, कोई कांग्रेस आवे, कोई निर्दलीय आवे, अच्छा कोई भी नहीं आवे। हनुमान जी का काम बहुत कराया हुआ है। क्या क्या काम करवाए? रोडा करा जी, ढाणी 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 था करा जी, पांच रोड है आपके गाँव में, ये काम चल रही है, सब हनुमान जी का ही है। गाँव में रोड है? हाँ बिल्कुल, रोड रोड है, ढाणी ढाणी। अरे आप हुए और भी बजट लगा 4 करोड़ का, सारी लगा दी अभी भाई। हनुमान जी किसान के लिए, जनता के लिए, दिन और रात कभी फोन कर दो, रात नहीं फोन कर दो, आपको सब में जगह हल करेगा। आपने कभी फोन करके ट्राई किया? हम तो घना ही करें, हमारे कोई काम पड़े भी नहीं है हल, पर फोन करते ही उठावे। अच्छा फोन करते ही उठा ले? अपने कोई भगवान दिया काम नहीं पड़ी हो कि क्यों झूठ क्यों बोलते हैं, सच्ची बात कहते हैं। काम बहुत खराब है। अग्निवीर वो छोरा ने, कॉलेज का चुनाव वो, कोई भी मुद्दा वो दिल्ली के अंदर वही उठाता है। और कोई एमपी कौन बोले कि अब की बार जो हमरा राम कॉमरेड है सीकर का, वह बोलता किसान के लिए। अच्छा वो बोलते? हाँ, और कोई भी बोलने रहा ही कौन एमपी, मरियोड़ा बैठा रहे उठे सीट से रुका है वह। अच्छा तो मतलब हनुमान बेनीवाल वहाँ पर बोलते हैं, ये लोग आपको ये बात उनकी यहाँ के लोगों को पसंद है? हाँ बिल्कुल सही है, तो किसान के लिए जोड़ते हैं। किसान हर मुद्दों, लड़कियों को वो, लड़कों को वो, कोई भी काम वो संसद में मुद्दा वही उठाता है। काम क्षेत्र के अंदर कॉलेजा कहीं, सड़क कहीं, पानी सब चीज़ कोई कमी नहीं है, ये बात है। कोई कमी नहीं है काम के अंदर। तो अब चुनाव अगर उनकी पत्नी लड़ी तो भी जीतेगी? अगर कोई भी खड़ा करेगा उसका भाई करो, उसकी पत्नी खड़ी होगी तो बात करो, घना वोटों में जीतेगी। ऐसा क्यों? ये तो दुनिया की भावना है, भावना है दुनिया। लोग तो बोल रहे थे कि इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे नहीं हनुमान बेनीवाल। दिल्ली के अंदर है यार, हाल क्या गठबंधन, चुनाव आएगा गठबंधन हो भी जाएगा, हो भी जाएगा तो फायदो कांग्रेस वाला है। नया कांग्रेस गठबंधन नहीं करेगी तो कांग्रेस हारेगी। तो हनुमान बेनीवाल को भी तो नुकसान है ना, उनके भी वोट कम पड़ेंगे फिर। अरे उसके वोट घना ही है, वो अब की बार एमपी में हनुमान जी हाजिर, इसका एमपी आया नहीं आता, गठबंधन था ना इस बार, गठबंधन हाजिर नहीं, 12-13 एमपी लिए जाओ, हनुमान जी के कारण एमपी आया है। सारा 12-13 कांग्रेस के जो एमपी वो उनके कारण आया, कैसे? बिल्कुल, जो हनुमान जी गठबंधन नहीं होता तो 1-2 एमपी आ तो नहीं आते। अच्छा क्या बात, क्यों नेता है, खूंखार नेता है, खूंखार नेता है हनुमान बेनीवाल, भारत के अंदर इसका नाम है, तेजा जी का भगत है ये, संसद के अंदर तेज बाबा की जय हनुमान बेनीवाल ही बोला ही है। 1200 साल हो गई, कोई भी आदमी जय नहीं बोला ही है। अच्छा हनुमान बेनीवाल ने पहली बार बेनीवाल बोला ही तेज बाबा जय, ये तो माता इसकी जन्म दी हो है। किसान बात है, बच्चों को हर आदमी ने कहा नशा मत करो, साधन धीरे चलाओ, अब रुका कौन बैठे थोड़ी देर नशा करता कोई पलिया रह गई, और यो आदमी कहे नशा मत करो। आपने सुना है उन्हें? आओ बिल्कुल सुना, मेहनत क्या भी है, आते तब जाते हो? आओ बिल्कुल जमा करे, अभी बाढ़ आई थी यहाँ पास के गांव में, बाढ़ आएगा बाढ़ गाँव गाँव घूमे वो सब जगह जाते है, माधो मेरे गली जावा चाय पिया जावा आवा, कोई भी जाओ उसके पास, 36 को उमरा कोई भी जाओ, आप हूँ जो हल करी, जातिवाद नहीं कर, जातिवाद नहीं है उसके पास, राजपूत बंगी बाम्बी कोई भी जाति वो बोले, आप हूँ जी हेल्प करी, अगर गलत काम हूँ करूँ तो भाई मैं तो हेल्प हुए कौन, ये बात सही काम है। तो बोलते कि यहाँ पर रेवंत राम डांगा भी मजबूत कर, नहीं रेवंत राम तो डांगा ही बढ़िया आदमी है, थोड़ी क्यों फोरा है, बढ़िया आदमी है, टिकट दे चक्कर कर सके, टिकट नहीं दे वे वाजबा आप जाके राज रो काम में जापान कहीं बताऊँ, पिछली बार भी काफी टक्कर रही, हाँ 2000 वोटर रही
देवजान जी अच्छा आदमी है सर। क्यों रहते रही उड़ा है? अच्छा इनके साथ ही रहे? आओ बिल्कुल 50 साल। तो 50 साल इनके साथ रहे? आओ बिल्कुल पिताजी हम साथ था संपर्क आप रखो ठीक है पार्टी या चुनाव होता है या अच्छा पार्टी चेंज हो जाए हाँ सब मुख्य अच्छा आदमी है। अब टिकट कौन देवे किन देवे किन पतो है के या बागरी डूडी वो के मैं चुनाव लड़ू? हाँ बागरी डूडी का नाम डॉक्टर हापूराम चौधरी को नाम हापूराम चौधरी है कांजी पालीवाल के वे बागरी मेरिया भी के वे अब बहुत के वे अच्छा। अब टिकट कौन कौन देता है धोती इस बार को दिला दे धोती ले ले कोई आ जावे ज्योति को मिर्दा को अगर टिकट यहाँ मिलती है तो क्या बाहर नहीं पड़े तो नहीं पड़े कोई भी पार नहीं पड़े अट चक्कर करे तो रेवन जी कर सके और कोई भी पार नहीं पड़े और कोई पार क्यों रेवन जी रिश्तेदारियों भी बहुत है सब कुछ है तू जो पार नहीं पड़ा है रेवन जी है ना अच्छा आदमी अच्छे आदमी क्यों मैंने कहा मदद भी करे आप खानदानी अच्छा होते तू अरमान जी रे पिताजी रेवन जी रे पिताजी साथ में आते तू अच्छा आदमी जुड़े हुए हैं हाँ जुड़े हुए हैं हाँ बात है बिल्कुल तो धन्यवाद आपका भी। तो आपने देखा कि हनुमान बेनीवाल जो एक किसानों के नेता के रूप में यहाँ के लोग देखते हैं और उनके जो प्रशंसक होते हैं वो हमेशा ही उनकी प्रशंसा है वही करेंगे और वो हमेशा यही बोलते हैं कि यहाँ से तो वही निकलेंगे तो हमने बात करी तो वही है कि लेकिन वही रेवंत राम डांगा का जो नाम सामने का आ रहा है क्योंकि मजबूती से उन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था तो इस बार है कि अगर उनको टिकट मिले तो हापूराम चौधरी का नाम कि वो समाज सेवी है और वो चिकित्सालय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रहे हैं तो ऐसे में दावेदारी में 3 नाम भारतीय जनता पार्टी से सामने आ रहे हैं। हालांकि टिकट किसको मिलेगी कयास अभी से हम लगा सकते हैं। धन्यवाद।